हेलो गाइस, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये पार्ट से बच्चों को बहुत डर लगता है बेटा, बट अगर आप प्रॉपरली इन वीडियोस में देखते देखते सॉल्व भी करें और ब्लाइंडली कॉपी ना करें, तो ट्रस्ट मी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कभी भी इश्यूज नहीं आएंगे, ना ही स्कूल के एग्जाम में ना ही बोर्ड के एग्जाम में। आपको एक सोचने का प्रॉपर तरीका भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें बेसिकली सिर्फ तीन आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें। तो कौन सी है, चलिए मैं बताता हूँ। तो पहली है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दूसरी है हमारी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तीसरी और आखिरी वाली है हमारी सर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब आप ये चीज सोचोगे, सर मैंने इसको तीन ऐसे अलग अलग डिवाइड करके क्यों लिखा है? बेटा क्योंकि मैं आप लोगों को ना इसका इधर उधर ट्रांसपोजिशन करके और क्या क्या बनता है वो बताना चाहता हूं। बट बेटा आपको ये तीन बेसिकली ही याद रहनी चाहिए। ट्रांसपोजिशन आपको रटना नहीं पड़ते, धीरे धीरे अपने आप वो आपको रटना शुरू हो जाएंगे। सर आप क्या बोल रहे हो, बताता हूं। देखिए अपन पहले वाली पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कौन सी सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली पे। अब अगर आप देखो तो सर मैं अगर साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो मेरा इसी का वन का बी बोल देता हूं मैं से। सर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर हमारी? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। बेटा मैंने क्या किया, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ साइन स्क्वायर को मैं उधर ले गया तो क्या बन गया वो वन माइनस साइन स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही एक और अगर मैं देखूं तो अगर मैं मान लीजिए कॉस स्क्वायर को उधर ले गया होता तो क्या बन जाता सर मेरा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले हमने क्या किया था बेटा, हमने कॉस स्क्वायर को वहीं रखा था और साइन स्क्वायर को हमने ट्रांसपोज कर दिया था, तो हमारा क्या आया था? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन चुकी थी? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम वे में हमने साइन स्क्वायर थीटा को रहने दिया, उधर क्या भेजा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया वहां पे। बेटा आपको 1b और 1c रटना नहीं है, आपको सिंपली कौन सी याद रखनी है? पहली वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली। अब बेटा जो बच्चे लोग थोड़ा बहुत गलती करते हैं उसी से बात कर रहा हूं। कई बच्चे लोग क्या सोचते हैं, सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 मेरा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये कैसे हुआ? बेटा जो 1b है वो पूरे में अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा, या फिर मैं सोचूं कि मैंने कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज किया है और 1 को इधर ट्रांसपोज किया है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रही है। वैसे ही सेम वे में आपकी आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा ये दोनों अगेन आपको रटना नहीं है, ना ही आपको 1b और 1c रटने थे। आपको रटना है तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला। तो कौन सा वाला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला आपको सिर्फ रटना है, बचे हुए आपको एक भी नहीं रटना है। सर अब ऐसा ही ये सेकेंड वाली जो थी मेरी आइडेंटिटी, इसकी मैं देखता हूँ। सर इसका इधर उधर ट्रांसपोजिशन अगर मैं करूँ तो मेरा आ जाता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक तो मैं ये भी सोच सकता हूँ उस चीज़ को। सर एक और इधर उधर करने पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा भी हो जाता है। बेटा अब आपको जो याद रखना है इन तीनों में से आप वो रखिए। मेजरली मुझे याद होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली। आपकी NCERT में आई थिंक sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। बेटा आप ट्रांसपोजिशन कर करके आप खूब सारे निकाल सकते हो। सेम चीज़ आपका cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा वाले में होगा। सर आप लिख सकते थे cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, या फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। अब बेटा आपको जो याद हो रही है आप वो कीजिए। मेरा सजेशन ये है जिससे आप और मैं सेम पेज पर है, इसलिए हम जो पहले तीनों लिखी हुई है वो तीन ही याद करते हैं जिनको मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ। सर कौन सी हो गई? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड कोसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस
cot square theta equal to 1. बच्चे भी आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ ट्रांसपोजिशन समझ में आना चाहिए कि हम इधर उधर करके अलग अलग फॉर्म में आइडेंटिटीज को ला सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है ये तीन को ही आप एक बार एक पेज पे लिख के रखिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये तीनों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो गाइस इसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको 45 सेकेंड्स ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज लिखने के लिए। जिनका हो गया लिखना वो दो तीन बार ऐसे बोल ले तो आपको धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कोसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। पहले लिख जरूर ले बेटा। इसके आगे मैं आपको इन तीनों का डेरिवेशन बताने वाला हूँ। डेरिवेशन तीनों का सिमिलर वे में चलेगा, बहुत सिंपल सा है। चलिए अब देखें इनका डेरिवेशंस, एक एक करके देखेंगे हम तीनों, जैसे मैंने कहा नियरली सिमिलर ही चलते हैं। पहले मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले का देखने वाला हूँ। फिगर तीनों का लकीली एक ही है हमारा, एक कोई भी आप राइट एंगल ट्राइंगल सा कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए। ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है। सर ए मेरा हो रहा है थीटा मान लीजिए, तो सर अब मैं जानता हूँ बी सी मेरा अपोजिट है, ए बी मेरा एडजेसेंट है और ए सी मेरा हाइपोटेनियस है। ये कई बार देख चुके हैं, अब ये तो बहुत बच्चों की चीज़ें हो गई है। चलिए हम लोग पहली आइडेंटिटी को प्रूफ करने के तरफ बढ़ते हैं, बट उसके पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा होगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये क्यों लिखा है बेटा, आपको डेरिवेशन में इसी कई बार जरूरत पड़ने वाली है, कभी आपको डायरेक्टली लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, कभी इधर उधर ट्रांसपोजिशन करने की जरूरत पड़ सकती है आपको। तो पहला मैं कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ। तो सर मेरा एल एच एस कितना है इसका, सर एल एच एस है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर मेरा साइन थीटा क्या होगा, ओहो ओहो क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। सर वैसे ही अब कॉस थीटा क्या था, आहा तो वो है सर ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया सर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर सेम था इसलिए मैंने उसे एक ही बार लिख दिया। बट मुझे पता है वाया पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना होता है बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। तो इम्प्लाइज ये मेरा कितना हो रहा है, मैं 2 in 1 डाल रहा हूँ बेटा, सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, तो उससे मेरा क्या आ रहा है बेटा, मेरा एल एच एस आना शुरू हो गया ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर जो कि 1 के बराबर आ गया है। तो जो मेरा आर एच एस है, देखिए मेरा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया है, हो गया मेरा प्रूफ बेटा। ये देखिए हमने बेसिकली किया क्या, हमने हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो माना था उसमें एंगल बी 90 डिग्री था, मैंने ए को रैंडमली थीटा मान लिया था, मुझे प्रूफ करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होने वाली है कितनी सर, 1। तो मैंने उसके लिए क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू डाली उसका स्क्वायर किया, कॉस थीटा की वैल्यू डाली उसका स्क्वायर किया, सर वो हो गया बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। जैसे मुझे दिखा मेरा डिनोमिनेटर ए सी स्क्वायर कॉमन है तो मैंने ऊपर न्यूमिनेटर को ऐड करना शुरू किया, सर हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। उसके बाद में बाय पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर होता है, वो सब्सटीट्यूट कर दिया तो मेरा क्या हो गया ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि मेरा आर एच एस के बराबर था, हो गया मेरा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सिंपल था। तो गाइस फट से कर लीजिए वाला बेटा, आप इसी पैटर्न पे करने वाले हैं कौन से है? बचे हुए 2 सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड कोसेक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। आप ये कर लीजिए, मैं आपको उसके बाद एक और सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बता दूंगा करके, आप कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को आप अपने मन से कर सकते हैं। गाइस ये करने के लिए मिल रहा है आपको 90 सेकेंड्स।
गाइस सिंपल सा है, आप अपने आप ही कीजिए, छापिए मत इसे। लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी। बेटा अब अपन लोग देख रहे हैं कौन सा, सेकेंड वाला, कौन सा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। चलिए एक काम करते हैं, यही डायग्राम को देखना यूज करना शुरू करते हैं हम लोग फिर से। बेटा अब देखिए यही मेरा डायग्राम है एबीसी। सर सेक क्या होता था? सर ये कॉस का रेसिप्रोकल था। कॉस क्या था? आहा, तो ये एच अपॉन एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट होने वाला है मेरा। मैं पहले एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ। सर हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, तो आप हाइपोटेनस और एडजेसेंट ढूंढना शुरू कीजिए। सर हाइपोटेनस मेरा ए सी है, सर ए सी स्क्वायर हो जाएगा वो, चलिए वो बाद में देख लेंगे। एडजेसेंट क्या है? ए बी, तो ए सी बाई ए बी का स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सर टैन थीटा क्या था? ओआ, मतलब अपोजिट बाय एडजेसेंट, सर मतलब बी सी बाय ए बी का स्क्वायर। याद आ गया, सिंपल है सर। अब बेटा इसको अगर आपने ओपन किया तो क्या बन गया, ये डिनोमिनेटर तो सेम ही आपका। अब बेटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता था, ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपने यहाँ पे जो लिख के रखा था खुद के लिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है। अगर मैं बी सी स्क्वायर को यहाँ भेज दूँ तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? ए बी स्क्वायर होने वाला है, तो वही मैं लगा रहा हूँ। बट बाय पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता है ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर मेरा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो वही मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बेटा। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये मान लीजिए वन है तब के लिए, ये टू है। सर हमने वन और टू तो ऊपर यूज़ कर लिया था ना बेटा, वो दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। आप कर सकते हो यहाँ पे आपसे वन और टू यूज, सब्स्टिट्यूटिंग टू इन वन, क्या हो रहा है मेरा ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर जो कि वन हो रहा है, जो कि आर एच एस के बराबर हो गया। देखिए मेरा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस फिर से आ गया है, हो गया बेटा। यार अभी प्रूफ मेरा सिंपल था बेटा, डायग्राम आप वही वाला यूज़ कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक और देखिए, ये क्या था, सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर आपको वन करना था। एल एच एस लिया, एल एच एस वैल्यू डाला, ए सी बाय ए बी आया उसका स्क्वायर माइनस बी सी बाय ए बी उसका स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो ए बी स्क्वायर को एक ही बार लिखा, ऊपर लिख दिया ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के कारण ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कितना आ गया? ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर कितना हो गया? वन। बेटा मैं थर्ड वाला आपको ऐसे प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप खुद से कर सकते हैं बेटा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाला है। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ तक के छोड़ रहा हूँ, आप कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को खुद से प्रूफ करेंगे। तो आपको मिल रहा है इसके लिए अगेन 90 सेकेंड्स, आप फटफट कर लीजिए। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।